अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान आदिल कुदरत। आज आपके लिए जो मैं ट्रेनिंग बना रहा हूँ, ये ट्रेनिंग पार्ट टू है, जो लॉजिक ट्रेनिंग्स है ना उसके बारे में। कि हमारे पास ट्रेनिंग में सिर्फ ट्रेनिंग करना मकसद नहीं होता, ट्रेनिंग एक लॉजिक के साथ की जाती है। अगर हमें वो लॉजिक नहीं पता तो हम उस लॉजिक के ना पता होने की वजह से ट्रेनिंग का भरपूर फ़ायदा और मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए हमें ट्रेनिंग के अंदर जो उसकी जो साइकी है वो पता होना ज़रूरी है। अगर आपको साइकी नहीं पता तो आप वो ट्रेनिंग आधी अधूरी कर। ट्रेनिंग का मकसद पता होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग की टेक्निक पता होनी ज़रूरी है, उससे आप अटैक काउंटर क्या करना चाहते हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि हम आपको एक ट्रेनिंग की टेक्निक और उसका लॉजिक दिखाएं। ठीक है जी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पैडिंग ट्रेनिंग अप्लाई करते हुए दिखाया था, जिसमें मैं किक लैंड कर रहा था आगे और उसी पाँव को स्किट कर रहा था और उसी पाँव से मैं काउंटर या अटैक के लिए ओपोनेंट को रेडी करता था। ये जो मैं ट्रेनिंग करने लगा हूँ इसमें उसकी ऑपोजिट टेक्निक करेंगे। इस टेक्निक को अब गौर से देखें आप। जो हमने पहले वीडियो डाली थी उस ट्रेनिंग में ये था कि किक लैंड और स्किट हम रिवर्स करते हैं और इसी किक को हम रेडी कर रहे थे नेक्स्ट काउंटर के लिए या नेक्स्ट अटैक के लिए। लेकिन उसमें हमारा जो फ्रंट फुट था वो अपनी जगह पे स्टिक रहता है। इस ट्रेनिंग में हम इस तरह करेंगे, 1-2 लैंड और शिफ्ट। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट करते हैं हम किक लैंड शिफ्ट, अब ये एक दो दोनों साइड को इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जब हम फिर से करेंगे, अब हम इसको प्रॉपर जब हम करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। हम देखिए 1-2-3-4 किक आप काउंटर में डाल। पहले हम जो किक अटैक में लेके आ रहे थे उसी को हम रिवर्स करते थे और उसी की को हम दोबारा यूटिलाइज करते थे। इस टेक्निक में आपने किक किया है, लैंड किया, बॉडी पूरी आगे नहीं किया कि ऐसे लगे सामने को आप क्लिंच कर रहे हैं, लेकिन आप क्लिंच नहीं कर रहे हैं, आपने पूरा स्टेप चूज कर लिया और अब आप दूसरी टांग से किक कर रहे हैं, काउंटर कर लो उसे या आप इसको अटैक करें। ये आप अपने ओपनर को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, इस चीज को अब आपने गौर से देखना कि इसमें फुटवर्क किस तरह इस्तेमाल हुआ। किक लैंड शिफ्ट, ठीक है जी, फिर से देखें, किक लैंड की बॉडी आगे रहती है, शिफ्ट किया आपने दोनों पाओं को और आप नेक्स्ट टेक्निक के लिए रेडी। अब ये प्रॉपर टेक्निक कुछ इस सिचुएशन में इस तरह से बनेगी कि आप खड़े थे, ठीक है जी, फिर से देखेंगे आप सामने वाले की जो भी मूवमेंट होगी, बॉडी जिस तरह भी वो चेंज करेगा, आप उसके उसकी बॉडी पे, उसके हेड टारगेट के ऊपर कहीं पे भी आप इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आप रेडी हैं, क्योंकि अब आपने दोनों साइड्स को अपने हिसाब से तैयार कर लिया। दोनों पांव काम करेंगे, दोनों तरफ काम करेंगे तो उतना ही ज्यादा सामने वाला सरप्राइज रहेगा। हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर प्लेयर राइट साइड से खेलते हैं और सामने वाले को भी राइट साइड पे ही खेलना पड़ता है क्योंकि उसको भी आदत राइट साइड की है। तो जितना ज्यादा आप सामने वाले को सरप्राइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए स्कोरिंग सिस्टम आसान हो जाएगा, स्कोर करना आसान हो जाएगा, पॉइंट गेन करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि ट्रेनिंग आपको पसंद आएगी। ट्रेनिंग्स को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, कमेंट्स करें ताकि हमें आपकी पसंद नापसंद का पता चले। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा थॉट है जो आप हमसे शेयर करें या हमसे पूछना चाहते हैं या आपको ऐसे लगे कि आपको हमसे पूछना चाहिए, तो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार करें।